ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार में संसद पहुंचे नितिन गडकरी जाने इसकी खासियतें। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बुधवार को अपनी हाइड्रोजन से चलने वाली कार टोयोटा मिराई में संसद पहुंचे। गडकरी वैकल्पिक ईंधन की वकालत करते रहे हैं और अब उन्होंने ये दिखाया है कि ईंधन का भविष्य हाइड्रोजन है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बुधवार को अपनी हाइड्रोजन से चलने वाली कार टोयोटा मिराई में संसद पहुंचे। गडकरी वैकल्पिक ईंधन की वकालत करते रहे हैं और अब उन्होंने ये दिखाया है कि ईंधन का भविष्य हाइड्रोजन है। गडकरी ने कहा, आत्मनिर्भर बनने के लिए हमने ग्रीन हाइड्रोजन को पेश किया है जो पानी से पैदा होता है। ये कार पायलट प्रोजेक्ट है। अब देश में ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण शुरू होगा, आयात पर अंकुश लगेगा और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। केंद्रीय परिवहन मंत्री ने कहा, भारत सरकार ने 3000 करोड़ रुपए का मिशन शुरू किया है और जल्द ही हम हाइड्रोजन का निर्यात करने वाला देश बन जाएंगे। देश में जहां भी कोयले का इस्तेमाल होगा वहां ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा। जनवरी में मंत्री ने कहा कि वह दिल्ली की सड़कों पर हाइड्रोजन से चलने वाली नई कार में दिखाई देंगे ताकि लोगों को हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके जो भविष्य का ईंधन होगा। गडकरी ने पहले बताया था कि यह कार जापान की टोयोटा कंपनी की है और हाइड्रोजन ईंधन फरीदाबाद स्थित इंडियन ऑयल पंप से भरा जाएगा।